बहुत बड़ी तबाही की। अमेरिका का वो शहर जहां दुनिया के सबसे ज्यादा खरबपति रहते हैं, जो दुनिया का सबसे अमीर शहर है, वो इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अमेरिका का हर बाशिंदा इस वक्त शहर का रुख करने से घबरा रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी वजह मिसाइल या फिर पुतिन का कोई एटम बम नहीं है। जब कुदरत हमला करती है तो इंसान का हर युद्ध कमजोर नजर आता है। सुपर पावर एड़ियां रगड़ते नजर आते हैं। कुदरत ना मिसाइल से हमला करती है ना बम फायर करती है। कुदरत का गुस्सा सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये है दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को खरबपतियों का शहर कहा जाता है। इस शहर में 3.5 लाख लोग ऐसे रहते हैं जो अरबपति हैं। इस शहर में 750 ऐसे लोग रहते हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ों डॉलर की है। इस शहर में 58 वो लोग रहते हैं जिनकी दौलत से अमेरिका नहीं पूरी दुनिया चलती है, जिन्हें खरबपति कहा जाता है। साल के 365 दिन डॉलर की बारिश देखने वाले इस शहर में अब कुदरत का गुस्सा बरस रहा है। और यहाँ अरबपतियों से लेकर खरबपति उद्योगपतियों के पास सिर छुपाने को जगह नहीं बची है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर और इसके आसपास के इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि शहर में बाढ़ आ गई है। जिन सड़कों को पूरी दुनिया ने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा और जहां की मशहूर इमारतें पूरे अमेरिका की पहचान बन गई, वहां एक एक कोना इस वक्त चूने लगा है। न्यूयॉर्क की आउटर रिंग रोड का हाल देखिए। यहां पानी इतना जमा हो गया है कि निकलना ही मुश्किल है। पानी को रोकना नामुमकिन साबित हो रहा है। हर तरफ पानी देखकर अमेरिका पर जैसे अब तरस आने लगा हो। घर के बाहर पानी, घर के अंदर भी पानी। बड़ी बड़ी इमारतें अंदर से खोखली साबित हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क को लेकर अमेरिका की ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। पूरे न्यूयॉर्क को जिस गुरूर के साथ अमेरिका ने पेश किया, वो गुरूर इस बारिश में धुल चुका है। 29 सितंबर को न्यूयॉर्क ने इतनी बारिश देखी कि सबको लगा अब ये पानी पूरे न्यूयॉर्क को डुबो देगा। और यही हुआ भी। अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। सभी सबवे लाइन पूरी तरह से बंद हो गई। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी भर गया। ये न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन क्वींस बॉर्डर के इलाके की तस्वीर है। ये एक बस स्टैंड है और यहाँ पानी देखकर आप बाकी सड़कों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये दुनिया की कुछ मशहूर और चकाचौंध कर देने वाली जगहों में से एक टाइम्स स्क्वायर की फोटो है। टाइम्स स्क्वायर का ये वीडियो देखिए। ये उस वक्त का वीडियो है जब बारिश के बाद पानी भरना शुरू हुआ। न्यूयॉर्क के आसमान पर ओफिलिया नाम के तूफान का असर पड़ा, जिसकी वजह से इस इलाके में भारी बारिश हुई। न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन में जिस तरह से पानी भरा है, उसने बहुत से सवाल पैदा कर दिए। न्यूयॉर्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दिन में पूरी तरह से ढह गया। I ended up walking in the rain for hours because the trains weren't running because of flooding. I was on the wrong street to catch the bus I needed, but you know, it probably wasn't coming either. I'm lost. I feel terrible. I don't even know where I'm going because I'm accustomed to catching
particular train. Now I come, the train is delayed. They don't know when. It's disgusting. न्यूयॉर्क में मेट्रो की सर्विस 150 वर्षों पहले शुरू हुई थी और 1904 में इसकी अंडरग्राउंड सर्विस शुरू हुई। इसे न्यूयॉर्क में सबवे कहा जाता है। रोजाना इसमें 50 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। I don't like it. I just don't like the rain in general. So, it's kind of off. Also, the trains are messed up. So, I'm trying to find a way home now. ओफेलिया तूफान का असर अमेरिका के अटलांटिक महासागर से लगे किनारे पर भी पड़ा है। बहुत से इलाकों में पानी भरा हुआ है। शहर से दूर रिहायशी इलाकों में इसका और ज्यादा असर देखा गया। कोई मोहल्ला, कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहां ओफेलिया तूफान की वजह से आई बारिश ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। जब दुनिया एक युद्ध यूरोप में देख रही है तो अमेरिका भी एक जंग अपनी जमीन पर देख रहा है जो कुदरत ने छेड़ी है, और अमेरिका भी इसके आगे पूरी तरह पस्त हो चुका है, बेबस दिखाई दे रहा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका को इसके बारे में एक हफ्ते पहले ही पता चल गया था, लेकिन जमीन पर तैयारी जीरो दिखी। Widespread 2 to 4 inches back into central Virginia, the Washington, D.C. metro area, Baltimore, up along the I-95 corridor into the mid-Atlantic states, even up into the New York City region. ये न्यू जर्सी की तस्वीर है। एक अपार्टमेंट के पास हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। और ये फोटो देखिए, यहाँ लोगों को निकालने के लिए रबर की नाव आ चुकी है। सवाल अब यहाँ जिंदगी बचाने का है। ये तस्वीर तो हैरान कर देने वाली है। एक सिलियोन जू में अपने बाड़े से बाहर आ गया है। वो शहर जहां संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी मीटिंग हुई, कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए, उस शहर का अब ये हाल हुआ है। इस पानी में अमेरिका की साख किसी ताश के इमारत की तरह ढहती नजर आ रही है। शुक्रवार 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में आई बाढ़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कें झील बन गई, गाड़ियां डूब चुकी हैं, कई जगह पहली मंजिल तक पानी भर चुका है, और इसकी वजह से पूरे न्यूयॉर्क यानी खरब पतियों के इस शहर में इमरजेंसी लगा दी गई। ये न्यूयॉर्क जैसे शहर के लिए ऐसा झटका है जिसने इस पर नाज करने वालों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने इसे मौत की बारिश का दर्जा दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा कि उनके शहर पर पहाड़ टूट पड़ा है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। Well, this is a dangerous weather condition and it is not over. And I don't want those gaps in heavy rain to give the appearance that it is over. It is not. We could possibly see 8 inches of rain before the day is over. पूरे न्यूयॉर्क के लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा जा रहा है। बेसमेंट में रहने वाले लोगों को वार्निंग दी गई है कि वो वहां ना रुकें। आखिर न्यूयॉर्क में ऐसा क्या हुआ कि सबको लगने लगा कि आसमान फट पड़ा है। जहां लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। एक एक मोहल्ले और गलियों में पहुँच कर देखा जा रहा है कि कहीं कोई किसी घर में फंसा तो नहीं है। न्यूयॉर्क के लोगों ने अपनी जिंदगी में इतने बुरे हालात इससे पहले कभी नहीं देखे। Called here to the village of Mamaroneck to perform building-to-building searches for victims that are trapped by floodwater. आखिर खरब पतियों का ये शहर जहां दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना दफ्तर खोलना चाहती है, जहां का बिजनेस एड्रेस हर कंपनी का ख्वाब होता है, वो शहर अचानक एक बारिश के बाद इतना बेबस क्यों हो गया कि सबको लगा कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उसे बचा नहीं पाएगा। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो गई। लोगों को उनको वहीं छोड़कर जाना पड़ा। न्यूयॉर्क के इतिहास में इसे बहुत बड़ी तबाही वाली बारिश बताया गया। ये अब तक रिकॉर्ड हुआ सबसे ज्यादा बारिश वाला सितंबर महीना साबित हुआ है। इससे पहले 1882 में सितंबर के महीने में 16.8 इंच बारिश हुई थी, जबकि सितंबर 2023 में 14 इंच बारिश हो गई। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में सिर्फ एक दिन में 7 इंच बारिश हुई,
जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ एक घंटे के अंदर ही 2.5 इंच तक बारिश दर्ज की गई। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए कि न्यूयॉर्क में कैसे बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए। खरब पतियों के शहर का घुटनों पर आना और यहां इमरजेंसी सर्विस का फेल हो जाना, ये अमेरिका की भी पोल खोल रहा है, क्योंकि एक शहर कितना आधुनिक है ये उसके ड्रेनेज सिस्टम से लेकर के वहाँ के इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को देख कर समझा जा सकता है। You know, I had invested a lot of money and the water keep coming from the ground because there are no drainage system from this location. So all the rain water, they are not able to drain out from this area, so it's coming into our house. If they would have a proper drainage system like the other area of the city, then we wouldn't have this problem. न्यूयॉर्क में हाल के कुछ वर्षों में ऐसे हालात पहले भी देखे गए, लेकिन ये शहर चौकन्ना नहीं हुआ और इस बार मुसीबत बड़े पैमाने पर कहर बनकर टूटी। इससे पहले 2021 में भी न्यूयॉर्क में ऐसे ही बाढ़ जैसे हालात बन गए थे और तब कई जगह बेसमेंट में पानी भर गया था। इसकी वजह से 11 लोगों की मौत भी हुई थी। इस बार 2023 के हालात को देखकर लगता है कि न्यूयॉर्क के प्रशासन ने सीखा कुछ भी नहीं और अब इस तरह की तस्वीरों ने उसके सिस्टम में पड़ी दरारों को और चौड़ा कर दिया है। अमेरिका शायद इस तबाही से